नमस्कार दोस्तों आर एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसको है उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय को उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को ये उच्चतम है अधीनस्थ तथा उच्च न्यायालय को तो आपको बताना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसको है तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को अब उच्चतम न्यायालय जो आपका रिट जारी करता है उसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है पांच प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं कौन कौन उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय उच्च न्याय उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत पांच प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं तो संबंधी प्रत्यक्षीकरण समादेश दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय क्वेश्चन नंबर दो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग अर्थात केग केग की नियुक्ति की अवधि कितनी है छः वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु जो भी पहले हो पाँच वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु जो भी पहले हो पाँच वर्ष या बासठ वर्ष की आयु जो भी पहले हो छः वर्ष या बासठ वर्ष की आयु जो भी पहले हो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एवज दे रखें आपको वो थोड़े बड़े हैं ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा केक की नियुक्ति की अवधि कितनी है तो केक की जो नियुक्ति होगी छ वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु जो भी पहले हो आंसर होगा ए अगर छ वर्ष पहले पूर्ण हो चुकी है तो उन्हें रिटायरमेंट लेना होगा या पैंसठ वर्ष की आयु पहले हो चुकी है तो भी रिटायरमेंट लेना होगा क्वेश्चन नंबर तीन है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का वयोवर्ध वकील अर्थात अधिवक्ता तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति होती है अनुच्छेद छिंत्र के तहत कौन करता है राष्ट्रपति जो कानून का ज्ञाता हो कार्य क्या होता है सरकार को कानूनी सलाह देना क्वेश्चन नंबर चार है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है संसद न्यायाधीशों की कॉलेजियम राष्ट्रपति उपरोक्त में से कोई नहीं तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है राष्ट्रपति हटा सकता है और प्रस्ताव कौन लेके आता है संसद प्रस्ताव अगर संसद पास कर दे तो हटाने का काम है वो राष्ट्रपति का है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटा सकता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँच वर्तमान में आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद बोबड़े कौन से न्यायाधीश है? मतलब हैं मतलब 45वें हैं सैतालीसवें पद के रूप में कार्य कर रहे हैं या 49वें या अड़तालीसवें तो वर्तमान में सैतालीसवें मुख्य न्यायाधीश हैं कौन अरविंद बोबड़े आंसर होगा बी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छह सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 127। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन का परिवार वो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में है और सर्वोच्च न्यायालय वर्णित कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद 124 से लेकर एक तक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार किसके पास है राष्ट्रपति कोलेजियम संसद मुख्य न्यायाधीश तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार किसके पास है आपको बताना है एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा तो संसद के पास क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो संख्या निर्धारित की जाती है वो संसद द्वारा की जाती है ये शक्ति किसके पास है संसद के पास है तो आंसर होगा सी किस अनुच्छेद के तहत एक सौ चौबीस फैस्ट के तहत नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कानून मंत्री मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कानून मंत्री मुख्य न्यायाधीश तो क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश है वो सर्वोच्च जो न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाता है लेकिन मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश तो आपका आंसर होगा डी सही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नौ वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है दो पॉइंट पचास लाख दो पॉइंट अस्सी लाख दो पॉइंट पच्चीस लाख तीन लाख तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन है दो पॉइंट एट जीरो लाख है क्या है दो पॉइंट एट जीरो लाख है दो पॉइंट अस्सी लाख जो वेतन है वो किन का है मुख्य न्यायाधीश का और दो पॉइंट पचास लाख है वो न्यायाधीशों का है और जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उनका कितना है दो पॉइंट पचास लाख और उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका तो दो पॉइंट पचास लाख है और न्यायाधीशों का दो पॉइंट पच्चीस लाख है तो आपका आंसर नौ का बी सही होगा नेक्स्ट है, है क्वेश्चन नंबर दस वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को छोड़ दें तो न्यायाधीशों की संख्या है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को छोड़ दें तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है ए बी सी डी में से क्या होगा सही आंसर तो मुख्य न्यायाधीशों की जो संख्या है वो तीस है सॉरी न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है तीस है मुख्य न्यायाधीश सहित इकतीस है तो इसका जो आंसर होगा वो ए सही होगा कुल कितने न्यायाधीश हैं इकतीस हैं एक मुख्य न्यायाधीश प्लस तीस न्यायाधीश तो आपका राइट आंसर होगा न्यायाधीशों की संख्या तीस है एक तो क्वेश्चन सीरीज में आप शुरुआत से लास्ट तक सोल्व किया करो लगभग पूरा चैप्टर है वो वापिस से कवर हो जाता है और डेली जो भी टेस्ट में भाग लेते हो फ्रेंड्स वो तैयारी ज़रूर किया करो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सही रूप से आंसरित कर सकें जिससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है इन चीज़ों से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ग्यारह वे मामले जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अर्थात जिन पे सिर्फ निर्णय कौन देता है सर्वोच्च न्यायालय तो वह कौन से मामले हैं जो मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है तो आपको बता दूं, आपको ये बताना है कि मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं वह मामला कौन सा है जो मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता है तो संघ राज्य विवाद राज्य राज्य विवाद संविधान की व्याख्या संबंधी विवाद और मूल अधिकार संबंधी जो भी विवाद हैं तो आपको बता दूं कि संघ राज्य विवाद राज्य राज्य विवाद और संविधान की व्याख्या संबंधी विवाद ये तीनों मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं तथा इन मामलों पे जो निर्णय होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में होता है लेकिन मूल अधिकार संबंधी जो भी विवाद होगा वो आप सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट दोनों में जा सकते हो ये सर्वाधिकार से संबंधित है ये मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है तो आपका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन में संशोधन कर लेना कि वह मामला जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता तो तब आपका आंसर होगा डी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बारह न्यूनतम कार्यकाल किन मुख्य न्यायाधीश का रहा है वाई वी चंद्रचूड़ रंजन गोगोई फातिमा बीबी कमल नारायण सिंह तो न्यूनतम कार्यकाल रहा है कमल नारायण सिंह का और सर्वाधिक वाई वी चंद्रचूड़ और प्रथम जो महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी फातिमा बीबी थी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तेरह न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में सत्य कथन है उच्च न्यायालय में लगातार पाँच वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो दस वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का ज्ञाता हो राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो उपयुक्त सभी तो न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में सभी कथन सत्य हैं, तो आंसर होगा डी उपयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चौदह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है अर्थात तदर्थ न्यायाधीश जो अगर किसी भी कोरम पूर्ति नहीं हो रही है तो क्या होता है न्यायाधीश जो आपके उच्च न्यायालय में कार्य करते हैं उनको मुख्य न्यायाधीश क्या करता है अपने उच्चतम न्यायालय में बुला लेता है उस कोरम पूर्ति करने के लिए तो यह कौन करता है मुख्य न्यायाधीश करता है तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति की सलाह से तो आपको आंसर होगा बी होगा मुख्य न्यायाधीश करता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पंद्रह इसका आप आंसर दोगे ऐब सद नहीं मिलेंगे वर्तमान में महान्यायवादी कौन है किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति होती है कौन नियुक्ति करता है इनके संबंध में जितने भी आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो यह आपके लिए है कि महान्यायवादी कौन है कानून का विधि अधिकारी प्रथम भारत का तो उनको महान्यायवादी कहते हैं उनके बारे में आप सब कुछ बताओगे और अब आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना लाइक और शेयर करना न भूलें धन्यवाद